हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल लिटिल डिज़ायर पे। तो आज का हमारा टॉपिक है करेले की सब्ज़ी। तो ये जो है करेले की सब्ज़ी, बहुत लोगों को खाने में अच्छी नहीं लगती, बट आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत यमी बनेगा। करेला जो है बेसिकली बहुत हेल्दी होता है हेल्थ के लिए। तो आइए हम देखते हैं। ये मैंने इसको छोटे छोटे पीस में काट लिया है, करेले को धोकर साफ़ कर लिया है। अब मैं इसमें एक सीटी आने तक इसको पकाऊंगी। मैंने प्रेशर कुकर में करेला डाला, थोड़ा पानी डाला और अब इसको फुल फ्लेम पे एक सीटी आने तक बॉईल करूंगी। जब तक मैं मेरी कुक प्रेशर कुकर में सीटी आ रही है, जब तक मैं प्याज टमाटर इसकी तैयारी कर लेती हूँ। प्याज टमाटर और जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो डलते हैं, वो निकाल के रख लेती हूँ, काट लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक टमाटर लिया है, एक बड़ा टमाटर, 4 से 6 लहसुन की कलियाँ और 2 बड़े प्याज। इसको फ्रेंड्स थोड़ा मोटा मोटा ही काटना है, ज़्यादा बारीक नहीं रखना है। ज़्यादा बारीक जो होता है वो फ्राई होने में सारा जल जाता है। यहाँ मेरे प्रेशर कुकर में सीटी आ गई है और मैं इसका प्रेशर रिलीज़ कर रही हूँ। और मैं इसको अब इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल दूँगी। तो आप थोड़ी देर के लिए इसको रखे रहने दीजिए, तो इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो खुद ही निकल जाएगा। अगर वो नहीं निकलता है तो आप हल्का हल्का से इसको हाथों से प्रेस करके इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है करेले में आप उसको निकाल सकते हैं, या आप किसी भी छन्नी में डाल के आप थोड़ी देर के लिए रख भी सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ सारा ये करेला निकाल लिया है। अब मैंने ये कढ़ाई रखी है लोहे की और इसमें मैं 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं जो है लोहे की कढ़ाई में ही खाना मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है। मुझे एल्युमिनियम और नॉन कुक में ज़्यादा टेस्ट नहीं आता खाना बनाने में। और इसका एक ये भी रीज़न है कि लोहे की कढ़ाई से हमको आयरन मिलता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं मोस्टली खाना लोहे की कढ़ाई में ही पकाती हूँ। तो देखते हैं, जब तक इसमें तेल गर्म हो रहा है मैं स्पाइसेस निकाल के रख लेती हूँ जो इसमें डलेंगे। तो मैं इसमें डालती हूँ फ्रेंड्स, करेला जो होता है ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो लोग करेला पसंद नहीं है, अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो आई थिंक उनको पसंद आएगा। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर घर पे अच्छा बने तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कैसा बना। ये देखिए, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा। तेल गर्म होने के बाद 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ। ये मेरा तेल गरम हो रहा है कढ़ाई में। मुझे एक्चुअली मैं यहाँ पे सॉफ्ट नहीं मिल रहा था तो मैंने थोड़ा गैस को फ्लेम को लो किया। ये मैंने इसमें डाला 1 चम्मच राई और इसमें 2 बड़े चम्मच सौंफ। आप सौंफ भी डाल सकते हैं और अगर आपके पास सौंफ का पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास दोनों चीज़ अवेलेबल थी तो मैंने 2 बड़े चम्मच सौंफ डाली और इसमें 1 छोटा चम्मच मैंने सौंफ का पाउडर डाला। मैंने पहले इसमें गार्लिक कर लिया है क्योंकि गार्लिक को ज़्यादा टाइम लगता है पकने में, तो मैंने पहले वो डाला है। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। इसमें ना प्याज को एक तो मोटा मोटा रखना है और एक आपको प्याज को बहुत ज़्यादा ये ब्राउन या गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं, बस सॉटे करना है, हल्का सा फ्राई करना है जिससे उसका कच्चापन दूर हो जाए बस। क्योंकि जब इसके प्याज के साथ साथ करेले भी हमारे फ्राई होंगे तो ये प्याज भी और ज़्यादा फ्राई हो जाएगा। अगर हम इसको पहले से ही फ्राई कर लेंगे तो फिर करेले के साथ ये जल जाएगा और इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा जितना ये कम फ्राई होने में आता है। देखिए, मेरा थोड़ा सा प्याज जो है वो फ्राई हो चुका है थोड़ा थोड़ा। अब मैं इसमें इसके बाद टमाटर ऐड करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आप इस टाइप से बना के देखिएगा। रियली मैं, आप विश्वास कीजिए, मैं अपने घर पे बनाती हूँ, मुझे और मेरी फैमिली मेम्बर्स को ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं इस तरीके से। और ये इंस्टेंट है, बहुत जल्दी बन जाती हैं, आपको टाइम नहीं लगता इनको ज़्यादा बनाने में। ये मैंने इसमें टमाटर ऐड किए, मैं टमाटर भी थोड़ी देर फ्राई करूँगी। और अगर ये बच्चे खाएँ तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदा करेगा क्योंकि करेला बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए फ़ायदा करता है, बेनिफिशियल होता है। ये देखिए, मैं प्याज और टमाटर दोनों चीज़ों को भून रही हूँ, हल्का सा फ्राई कर रही हूँ बस। अब या तो आप करेले का पानी आपका निकल चुका हो इस टाइम तक, अगर नहीं निकला है तो आप करेले में जो भी एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो आप हल्का हल्का हाथ से प्रेस करके आप निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा निकालने की भी नहीं।
देखिए ये मैंने सारे करेले इसमें ऐड कर लिए हैं और फ्राई कर लिए हैं। अब मैं इनको एक थोड़ा सा मिक्स दे रही हूँ। देखिए ये मैं मिक्स कर रही हूँ जो हमने प्याज टमाटर जो इसमें डाला था भुना था उसके साथ करेलों को। अब मैं इसमें ऊपर से सारे ड्राई पाउडर डालूंगी, स्पाइसेस। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप सूखी सब्जी बनाते हैं तो अगर आप पहले से डाल देंगे तो वो थोड़ा टेस्ट नहीं आ पाता। सूखी सब्जी में ऊपर से डालेंगे आप तो ज़्यादा अच्छा लगता है जो फ्राई होने वाली होती है। मैंने इसमें डाला 1 चम्मच रेड चिली पाउडर और ये 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर, और 1 चम्मच में डालूंगी इसमें टर्मरिक पाउडर। इसमें थोड़ा अच्छा कलर लाने के लिए मैंने थोड़ा अच्छी हल्दी डाली क्योंकि लोहे की बनी कढ़ाई में सब्जी बहुत जल्दी काली हो जाती है। तो आप देख सकते हैं आपको हल्दी का टेस्ट जैसा लगता है आप उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं बस सारे इसमें मेरे मसाले डल चुके हैं, अब बस इसमें नमक रह गया है। मैं अब इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें टीस्पून सॉरी सॉल्ट ऐड किया है। तो ये देखिए अब इसमें सारे मसाले डल चुके हैं। अब मैं इसको एक अच्छा सा मिक्स दे दूँगी। तो ये मेरे मिक्स होने के बाद देखिए सब्जी कुछ ऐसी दिख रही है। और ये मैंने सबसे लास्ट में ऐड किया है 1/2 चम्मच मीट मसाला। एक्चुअली ये मीट मसाला मैंने इसलिए ऐड किया है, मेरे पास घर का बना हुआ गरम मसाला जो था वो ख़त्म हो गया है। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास घर का बना हुआ गरम मसाला है तो 1/2 चम्मच आप वो डालें, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। बस मैं इसको अब रख दूँगी थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं ढक के रख दूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, सारी सूखी सब्जियों को बीच बीच में चलाना होता है, इसलिए सब्जी को भी हमको बीच बीच में हमको रुक रुक के 1 से 2 मिनट के बाद हमको देखना होगा कहीं ये लग ना जाए। ये देखिए मैंने 2 मिनट के बाद 1 से 2 मिनट के बाद मैंने देखा है, तो देखिए ये कुछ पक गया है, ऑलमोस्ट पक गया है। बस थोड़ा बहुत और जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो और जल जाए और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। एकदम भी पानी नहीं जलाना होता है क्योंकि फिर उससे ना जो इसका टेक्सचर है वो ख़राब हो जाता है। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लो फ्लेम पे आप इसको पकाएं, बीच बीच में चलाते रहें, मिक्स करते रहें, तो अच्छे से बनेंगे ये। ये देखिए मैंने एक और बार फिर से हटाया इसको और फिर से मैं इसको चला रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए हमारे करेले बन के पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। अगर आपके पास कुछ है इसमें गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ती या कुछ भी तो आप कर सकते हैं, मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसमें नहीं किया। ये देखिए बहुत अच्छा, इससे ना इसमें देखिए आपको मोटे मोटे रेड कलर का टमाटर का कलर आ रहा है, प्याज का कलर आ रहा है, ग्रीन सब्जी का, इसका कलर बहुत अच्छा आता है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं। सबसे जल्दी बात है कि जल्दी से बन जाते हैं, जो हम पहले रेसिपी से बनाते थे उसमें बहुत टाइम लगता था, उतना अब टाइम इसमें नहीं लगता है। फ्रेंड्स आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप किस तरीके से करेले बनाते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स में। थैंक यू, बाय बाय।